भारत में कोरोना वायरस के 2022 नए मामले, 46 मरीजों ने गवाई जान। तेलंगाना सीएम केसीआर ने पंजाब में कहा, किसान चाहे तो बदल सकते हैं सरकार। वाहन निर्माताओं के संगठन ने सीएनजी कीमतों में कटौती की मांग की। दिल्ली एनसीआर को मिली लू से राहत, गुरुग्राम ने जारी की वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी, ट्रैफिक बहाल करने में जुटे पुलिसकर्मी। छात्रों के मुद्दों को लेकर अपनी ही सरकार पर बरसे वरुण, बोले छात्र सिर्फ पढ़ाई नहीं करता, अपने हक की लड़ाई भी करता है। धोखाधड़ी और जबरन वसूली के मामले में सपा नेता समेत 9 के खिलाफ मामला दर्ज। प्रधानमंत्री मोदी मैसूर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। दिल्ली दंगे पर उच्च न्यायालय ने आरोपी की जमानत याचिका पर पुलिस से मांगा जवाब। निठारी चौक के सामने करीब 50 दुकानों में लगी आग, लोगों की भीड़ के चलते पहुंचना हुआ मुश्किल। समंथा प्रभु और विजय देवरकोंडा घायल, कश्मीर में शूटिंग के दौरान हादसा।